तो देखिए मैंने न्यू डिज़ाइन का ये घर बनाया है, आपको कैसा लग रहा है बताइए। लेकिन इसकी छत जो है वो अभी पूरी नहीं हुई है, तो मैं छत इसकी पूरी कंप्लीट करने जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि बिना छत के कुछ हो नहीं सकता। तो दोस्तों मैं इसकी छत कंप्लीट करता हूँ और आप देखिए मैं कैसे कंप्लीट करता हूँ इसकी पूरी छत, और फिर बताइएगा कैसा लग रहा है। तो छत कंप्लीट करने के लिए थोड़ा आपको पहले से व्यू दिखा दूँ कैसा लग रहा है, फिर अपन छत कंप्लीट करते हैं इसकी। वो छत कंप्लीट करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ ऐसे पीले कलर की बोर्ड यूज़ करी है, देखो जो दीवार है उसके लिए रेड करी है, और जो फर्श है वो मैंने ब्लू यूज़ करा है। कलर अलग ही टाइप का मैंने यूज़ करा है, सब कुछ अलग करा है। देखिए दोस्तों मैं ऊपर जा रहा हूँ और आप ऊपर का व्यू दिखाता हूँ आपको, ऊपर का व्यू कैसा लग रहा है। ऊपर का व्यू भी देखो कितना अच्छा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया से पेड़ लगे और चारों तरफ से हरियाली है दोस्तों। और मैंने ये जो दो नीचे दिख रहे हैं ना आपको घर, ये मैंने ही बनाए दोस्तों दरअसल। और ये जो घर है ये भी अभी के अभी मैंने थोड़ा बनाया। अब इसकी जो छत पूरी हुई है तो वो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आप इसका फाइनल लुक बनाना मुझे कैसा लग रहा है। तो ये मैं अपनी छत कंप्लीट करता हूँ दोस्तों, फिर आपसे बात करता हूँ। देखिए दोस्तों छत कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं नीचे आके आपको पूरा लुक दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी भी इसके अंदर जो कुछ बचे हैं वो बॉक्स, उनको मैं रिमूव करता हूँ, फिर आप देखना कैसा लगता है। तो देखिए गाइस मैंने सारे बॉक्स रिमूव कर दिए हैं, बस ये दो दिन इसके बाद आप ये बताइए इसमें लाइट लगानी चाहिए मुझे, जिससे जो और अच्छा लगे। इसमें क्या डेकोरेशन करना चाहिए, क्या डेकोरेशन नहीं करना चाहिए मुझे ये बताइए। और अगर आप इसे पसंद करते तो अगली वीडियो